हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन का पिछले साल का पेपर, जिसको फुल सॉल्यूशन आज हम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कल पेपर इसका होने वाला है। उसमें से मैक्सिमम नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर एक है, कृषि वित्त में जुड़ा होता है, तो कृषि वित्त में उधार ली गई पूंजी तथा स्वयं की पूंजी दोनों जुड़ी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर दो है, क्रेडिट साख की उत्पत्ति हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, निम्न में से कौन सा साख की आवश्यकता का सूत्र है, तो इसमें साख की आवश्यकता का सूत्र CN बराबर ER माइनस EU माइनस SI है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर चार है, निम्न में से कौन सा नाबार्ड से मिला दिया गया है, तो उपयुक्त में से सभी होगा, ARDC है, ACD है, RPPC है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर पाँच है, निम्न में से किस कोष को नाबार्ड को हस्तांतरित किए कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन कोष, राष्ट्रीय कृषि साख स्थायी कोष, इसमें दोनों को कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, नाबार्ड बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर सात है, राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, सन 1969 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आठ है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हिस्सा पूंजी में केंद्र सरकार का द्वारा कितना हिस्सेदारी दिया जाता है, तो इसमें 50% केंद्र सरकार देती है और 15% जो होती है राज्य सरकार देती है, और 35% जो होता है ये प्रवर्तक बैंक देते हैं, तो इसका आंसर होगा क्लियर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार कितना हिस्सेदारी देती है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, 15%। निम्न में से कौन सा पुनर्निर्मित संस्था के रूप में कार्य करता है, तो RBI जो होता है पुनर्निर्मित संस्था के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फसल बीमा राशि किसान को किस रूप में दिया जाता है, तो फसल बीमा राशि जो होता है क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूमि विकास बैंक संबंधित होता है, तो भूमि विकास बैंक जो होते हैं व्यावसायिक बैंकों में संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा ऋण आंशिक निस्तारण के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो प्रथम चरण का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था, इसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के द्वितीय चरण का राष्ट्रीयकरण हुआ था, द्वितीय चरण का राष्ट्रीयकरण जो है 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, इसमें 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी मदद हो सके। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा स्वतः निस्तारण ऋण के लिए अंतर्गत आता है, तो ये अल्पकालीन ऋण आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीयकरण के द्वितीय चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो क्वेश्चन नंबर इसका 17 का सी सही होगा, बी सही होगा, इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, अल्पकालीन ऋण के भुगतान की अवधि है, तो अल्पकालीन ऋण के भुगतान की अवधि 15 माह होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रथम सहकारी समिति अधिनियम पास हुआ था, ये 1904 ईस्वी में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्यकालीन साख के भुगतान की अवधि है, तो मध्यकालीन साख के भुगतान की अवधि 15 माह से 5 वर्ष तक की होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ARICNC के अध्यक्ष हैं डॉक्टर डी गोरवाला जो हैं, ये AICR के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, RRB की स्थापना किसकी समिति के अनुशंसा पर की गई थी, तो एम नरसिम्हन की समिति की अनुशंसा पर की गई थी, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, तो 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रवर्तित होती है, तो ये अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्रवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन
साग का प्रथम आहार है, तो इसमें बी का ऑप्शन सही होगा। निवेश का प्रतिफल जो होता है प्रथम आहार है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में कौन सा ऋणी की अदायगी क्षमता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। सकल आय भी होगा, पारिवारिक खर्चे भी होंगे, फार्म की कार्यशील व्यय भी होगा, तो उपयुक्त सी डी जो होता है ऑप्शन इसका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन साग का प्रथम सी है, तो चरित्र जो होता है प्रथम सी होता है। निम्न में से कौन साग का चतुर्थ सी है, चतुर्थ सी में शर्तें आती हैं, कंडीशन आती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, आर्थिक चिट्ठा को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो आर्थिक चिट्ठा को नकद प्रवाह विवरण के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आर्थिक चिट्ठा में परिसंपत्तियां रहती हैं, तो आर्थिक चिट्ठे में परिसंपत्तियां जो होती हैं वो दोनों में रहती हैं, दाहिने पक्ष में भी रहती हैं, बाएँ पक्ष में रहती हैं, तो इसमें दोस्तों कन्फ्यूज़न है थोड़ा, बाएँ पक्ष में ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाएँ पक्ष। क्वेश्चन नंबर 31 है, आर्थिक चिट्ठा में देनदारियों को रखा जाता है, तो आर्थिक चिट्ठियों में देनदारियों को जो बाएं पक्ष में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश में भूमि विकास बैंक का क्या अन्य नाम है, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में किया गया था। निम्न में से कौन सा बैंक इंडियन बैंक में विलय किया गया, तो इलाहाबाद बैंक जो होता है इंडियन में विलय किया गया, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत भारत में बैंकों की संख्या जो होती है 16 है, 12 है, इसमें ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं, तो इसमें 3 बैंक कार्य कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रथमा बैंक एंड एक दोस्तों भूल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसान क्रेडिट कार्ड शुरुआत योजना की शुरुआत कब हुई थी, सन 1998 में हुई थी, और किसान कॉल सेंटर की शुरुआत 2004 में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38 है, अग्रणी बैंक हैं, एक सहकारी बैंक, अग्रणी बैंक कैसा होता है, सहकारी बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, जिला शाख योजना तैयार किया जाता है, तो जिला शाख योजना लीड बैंक में तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, अग्रणी बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्राम अंगीकार योजना आरंभ की गई थी, तो 1969 में आरंभ की गई थी, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, जमा बीमा निगम अस्तित्व में आया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, 1962 में आया। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय जमा गारंटी निगम लिमिटेड अस्तित्व में आया, तो 1971 में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय जमा बीमा साख गारंटी निगम अस्तित्व में आया था, तो 1978 में आया था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व बैंक आधिकारिक तौर पर जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, आर बी आर डी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सी समिति ने नाबार्ड की अनुशंसा की, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्रेफिकार्ड, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, क्रेफिकार्ड। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, और इसकी स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, इसको भी नोट कर लेना, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय स्तर का पुनर्निर्मित संस्था है, जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सभी प्रकार के साख उपलब्ध कराता है, तो ये जो होता है नाबार्ड होता है जो उपलब्ध कराता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक व्यक्ति एक मत अधिकार सिद्धांत है,
तो ये व्यक्तिगत व्यवसाय का है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक सबके लिए सब एक के लिए आदर्श वाक्य है, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सहकारिता का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 50 है, केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य करता है, तो केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी, सन 1982 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में कौन सा शाख का असंस्थागत स्रोत है, तो स्थायी साहूकार जो होते हैं, स्थानीय साहूकार जो होते हैं, असंस्थागत स्रोत होते हैं शाख के, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक अनुसूचित बैंक क्या है, एक अनुसूचित बैंक जो होता है वह बैंक जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित हैं, वो अनुसूचित बैंक होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसान की अदायगी क्षमता की जाँच किस आधार पर की जाती है, तो फार्म का शुद्ध आय के आधार पर की जाती है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, तकावी क्या है, तकावी जो होता है सरकार द्वारा दिया गया ऋण होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण सन 1949 ईस्वी में हुआ था, तो दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में सर्वप्रथम सहकारी समितियों की स्थापना की गई, तो खेती समितियां होती हैं, ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में कौन सा ऋण भूमि विकास बैंकों द्वारा नहीं दिया गया, तो ये दीर्घकालीन ऋण जो होता है भूमि विकास बैंकों द्वारा नहीं दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है तो मनीला में है, एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला में है, 59 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है, तो विश्व बैंक का हिस्सा जो होता है आईएमएफ नहीं है, आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। दोस्तों इसका भी ये क्वेश्चन भी बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।